हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे तुम सब लोग? तुमने कल रात का मेरा व्लॉग देखा रहे हो, सॉरी व्लॉग वीडियो देखा रहे हो, गणपति विसर्जन का। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट में बताओ। तो आज हम जा रहे हैं दादर सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, और हम लोग जा रहे हैं चल के। मैं और मेरा दोस्त है रुपेश, हम दोनों ही थे चल के जाने वाले सिद्धि विनायक। तुम देखो कैसा है हम लोग का ये ट्रिप, और फिर बताओ एक बार। मैं इसके पहले भी एक बार गया था, पर वो हम लोग का गणपति का एक मंडल था तो तब गया था मैं, और हाथ में मतलब पालकी थी गणपति की, सब साथ में थे, 20-30 जन क्राउड था, तब गया था, वो भी 3-4 साल पहले। तो आज अभी जा रहा हूँ, अभी मैं और रुपेश ये दोस्त अकेला, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। वाज लगी तेरे? तो गाइस अभी सुबह के 5:30 बजे, हम लोग रात भर से सोए नहीं है और ऊपर से इतने थके हुए ना। कल रात को गणपति विसर्जन था, उसका वीडियो बनाया, फिर रात को मैं 4 बजे रुपेश के घर पे आया, अभी सोए ही नहीं हम लोग, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाए, सीधा सुबह 5:30 बजे निकले हम लोग। मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट निकले, अभी जा रहे सिद्धि विनायक, देखते आगे कैसा होता है। तो चलो एक बार सब लोग बोलो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले गणपति बाप्पा। अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे, सीधा जाके हाईवे पकड़ेंगे, तो फिर हाईवे से हम लोग जाने वाले विक्रोली से दादर, बहुत लंबा डिस्टेंस है, देखते आज। तो अभी जाते जाते बीच में हम लोग को मिले चाय वाले भैया, तो यहाँ से एक चाय की चुस्की मारते फिर निकलते, कि चेहरे पे नींद तो बहुत आई है, रात भर सोए नहीं, चाय पीते और निकलते यहाँ से, बिस्किट खाते। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो जाते जाते बीच में साईं बाबा इनका मंदिर है, तो जाते उधर एक बार माथा टिकाते कि हमारा ये सफ़र अच्छा जाए। जाते देखते हमारे पूरे विक्रोली में सबसे बड़ा साईं बाबा का मंदिर जो है यही है, इसको हम लोग छोटा शिरडी बुलाते। जाते बाबा के दर्शन करते और फिर निकलते। श्री सच्चिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की। चलो सुबह सुबह साईं बाबा का दर्शन भी हो गया, साईनाथ महाराज की, गणपति बाप्पा। चलो अभी नॉन स्टॉप, अभी हम लोग डायरेक्ट एक ही स्टॉप लेंगे, डायरेक्ट घाटकोपर रमाबाई नगर, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। अभी हम लोग टागोर नगर के बाहर है, विक्रोली के बाहर ना नहीं है, मार्केट हम लोग टागोर नगर के मार्केट एरिया में है अभी, तो फिर वो क्रॉस करेंगे, फिर डायरेक्ट आगे से हाईवे लगेगा, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ना, तो डायरेक्ट हाईवे से फिर सीधा ही जाना है डायरेक्ट दादर। तो ये हमारे टागोर नगर का रास्ता है, यहाँ आगे से राइट लेंगे तो मार्केट एरिया आता है, सीधा गए तो फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगता है। मैं हम लोग ये साइड से आए चल चल के, देखते कितने बजे पहुंचेंगे डायरेक्ट दादर। तो यहाँ से हम लोग को हाईवे पकड़ना, राइट लेके, तो यहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट है, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट घाट के ऊपर जाना है रमाबाई नगर, तो यहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट है, तो यहाँ से सीधा ही जाना है घाट के ऊपर के लिए। अभी हम लोग चल चल के पहुंच गए गोदरेज, ये पूरा एरिया गोदरेज का है, और गाइस सुबह का व्यू देखो ना गाइस, साहब कितना भारी व्यू है,
ये ऐसा व्यू ज़्यादा कभी देखने मिलता नहीं है, सुबह के टाइम ही मिलता है। इधर सब लोग जॉगिंग करने आए, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, और हम लोग भी सिद्धिविनायक जा रहे हैं। तो अभी हम लोग विक्रोली के बाहर तो नहीं है, विक्रोली मतलब सोचो अभी आधा विक्रोली हो गया है, आगे एक सिग्नल है, वो सिग्नल क्रॉस करेंगे तो विक्रोली खत्म, फिर अरे घाटकों पर एरिया स्टार्ट हुए हैं। तो लगभग हमने पूरा विक्रोली क्रॉस किया है, बस ये गोदरेज एरिया क्रॉस करने का। मेरे साथ मेरा दोस्त रूपेश, रूपेश सालवे, हम दोनों ही जा रहे। तो मेरे साथ मेरा दोस्त कैमरामैन रूपेश रविंद्र सालवे, हम दोनों ही जा रहे हैं सिद्धिविनायक, गणपति बप्पा मोरिया। तो फाइनल, सॉरी सॉरी मेरा गला बैठ रहा है पहले ही। अरे रे रे रे, ये पत्थर भी लग रहे यार। तो अभी विक्रोली पार हो गया, तो अभी फाइनली हम लोग घाटकोपर में एंट्री मारे। घाटकोपर का मेन ब्रिज आगे, आगे से राइट लेंगे तो घाटकोपर, पूरा घाटकोपर एरिया ही है। तो नहीं नहीं बोल के विक्रोली से घाटकोपर कितना किलोमीटर लगा? दो तीन, तीन चार किलोमीटर पकड़ो। तो तीन चार किलोमीटर हम लोग का हो गया अभी घाटकोपर। घाटकोपर के बाद कौन सा स्टेशन आएगा? तो अभी घाटकोपर, घाटकोपर के बाद आएगा विद्या विहार, विद्या विहार के बाद कुर्ला, फिर सायन, फिर माटुंगा, फिर दादर। तो गाइस अभी हम लोग विक्रोली से घाटकोपर आए, घाटकोपर रमाबाई नगर, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो माता रमाई अंबेडकर नगर प्रवेश। तो इधर 5 मिनट हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बोले थे थोड़ा इधर 5 मिनट रुकेंगे। हम लोग का इधर पहला स्टॉप है ये घाटकोपर रमाबाई नगर एरिया। तो इधर पहला स्टॉप है, इधर किधर तो देखते भी जगह ढूंढे, 5 मिनट रेस्ट करते। तो अभी गाइस हम लोग को इधर एक नॉर्मल सा छोटा सा कट्टा मिला, जो बनाया है इसे एक लादी लादी टाइप का। तो उधर अभी हम लोग 5 मिनट बैठे, और जो बैठ के सुकून मिल रहा है ना गाइस, सच में जो पैर दर्द दे रहे थे ना इतने रास्ते में, मेरे देखो पैर के छाले आ भी गए हल्के हल्के, क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बिना चप्पल का चल रहा हूँ, कभी बिना चप्पल का भी चला ही नहीं मैं, ये फर्स्ट टाइम बिना चप्पल का चल रहा हूँ, इसलिए पैर बहुत दुख रहा है। जो पत्थर चुभ रहे ना, बाप रे खतरनाक। इधर अभी 5 मिनट बैठेंगे, फिर यहाँ से और आगे निकलेंगे। तो अभी हम लोग रमाबाई नगर में, इधर एक नॉर्मल कट्टा मिला हम लोग को, तो हम लोग इधर बैठे यहाँ से हम लोग। अरे अरे अरे, टायर फट गया, टायर फट गया, टायर फट गया। तो यहाँ से हम लोग अभी सीधा निकल लेंगे, ट्रक का टायर फट गया। तो गाइस अभी हम लोग का पहला स्टॉप हो गया, हम लोग 5 मिनट ही उधर बैठे, तो अभी हम लोग वापिस यहाँ से निकले। जो पैर दुख रहा है ना हम लोग का, हम लोग का नहीं, तेरा, मेरा नहीं, तेरा दुख रहा है। हम मेरा दुख रहा है बस। तो रात को घर पे ही था, जल्दी चला, तू रात को घर पे जल्दी चला गया, गणपति का था क्या? के टाइम पे था मैं, समझा? अपन दोनों विसर्जन को गए नहीं थे, 5 मिनट में था तू। मत बोल, अरे बेटे अभी थोड़ा बैठ के सुकून लग रहा है। ये व्यू, अरे ये हमारा हरा में, तेरे वजह से मेरे को भी नाइट नहीं मारी। हाँ मेरे को भी सोने क्या। तो गाइस अभी हम लोग लगभग कुर्ला एंट्री मारने ही वाले। अभी हम लोग चेंबूर के आगे है, तो आगे कुर्ला ही है।
इतना थक गया हो ना आज, ऊपर से भूख इतनी लगी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, वड़ा पाव वाला ना कुछ भी नहीं, नाश्ता हुआ ही नहीं है। ये आगे नाश्ता वाला मिलना चाहिए, बहुत भूख लगा है। रस्ते पे इतने छोटे छोटे पत्थर है, वो बहुत चुभ रहे, ये देखो। अरे हम लोग बिना चप्पल के चल रहे। अरे फाइनली गाइस हम लोग सायन पहुंच गए हैं, और बीच रास्ते में बैठ के हमने एक स्टे लिया, एक अच्छा सा कट्टा पे बैठ के, आपको दिखाता हूँ मैं। ये पैर बहुत दुख रहा है, 5 मिनट बैठते फिर निकलते ऑफिस। बैठे बैठे नींद आ रही इधर है, तो चलो निकलते। अभी 10-15 मिनट हो गया हमें इधर ही बैठे, ऐसे एक बार बैठे ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है। चलो चलते, चले निकलते। अरे रे 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 रे, ये बैठने के बाद खड़ा होना बहुत मुश्किल रहता है बाबा, पैर बहुत ये होता है, पैर अकड़ गए मेरे पूरे। तो फाइनली गाइस बहुत टाइम के बाद, 4.5 घंटे के बाद हम लोग ने आखिरकार दादर में एंट्री मारी। बस आगे से राइट लेके सीधा जाने गए, लगभग 15 मिनट के अंदर, या 15 मिनट 20 मिनट्स पकड़ो, सिद्धि विनायक मंदिर आ जाएगा। बाप रे, पैर की पूरी हालत डाउन हो गई। पहुंच गए दादर, पहुंच गए, अभी जोश आ रहा है, नजदीक ही है, चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी दादर स्टेशन पहुंच गए, हमारे सामने दादर स्टेशन है। आज मैं देखा, अगर हम उन ट्रेन से आते ना तो वो कैसा रास्ता पूरा सीधा सीधा है, 10 मिनट के अंदर हम पहुंच जाते, और अभी हम लोग कैसे पूरा घूम के आना पड़ा हम लोग को, चुना भट्टी पूरा 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 माटुंगा चेंबूर रोड, ये पूरा घूम के आना पड़ा, इसलिए हम लोग को टाइम लगा। ये दादर स्टेशन है सामने, ये ब्रिज से नीचे उतर के लेफ्ट मार के सर्कल से सिद्धि विनायक मंदिर है। और ये कि प्रॉब्लम हो सकता है कि मंदिर में कैमरा अलाउड है कि नहीं वो नहीं मालूम। फिर भी देखते, कुछ भी करके निकाल लूंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए श्री सिद्धि विनायक मंदिर, यहाँ से लाइन स्टार्ट है। सूर्य पावन